हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग आई एम बैंगलोर सीरीज का 16th पार्ट सॉल्व करेंगे और ये सेकंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, टाइम कम बचा था इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर पार्ट में बढ़ा दिए, तो आज टोटल 21 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना अभी तक हमने आई एम बैंगलोर सीरीज में 1 to 16 पार्ट तक टोटल कितने क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर कोई बच्चा सिंसियरली इसको फॉलो कर रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल क्वेश्चन अभी तक कितने हो गए। दरअसल मैंने खुद भी नहीं काउंट किया तो इसी बहाने मुझे ही पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट होगा। ठीक है, तो 17 पार्ट्स टोटल रहेंगे, क्लियर है, और नेक्स्ट पार्ट भी आज कल में ही आ जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। और हाँ, नए नए ऐड हुए हो चैनल से तो मैं बता देता हूँ कि पूरी की पूरी इसकी आपको PDF मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट catipmat.com/MBA पे। इस लिंक पे एक बार विजिट ज़रूर करना, बहुत काम की लिंक है ये आपके लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जल्दी से। द प्राइस ऑफ दार्जिलिंग टी इन रुपीज पर kg इज 100+0.1 m ऑन द nth डे ऑफ 2023। ठीक है, एंड देन रिमेंस कॉन्स्टेंट। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ ऊटी टी इन रुपीज पर kg इज 89+0.15 n ऑन द nth डे ऑफ 2023। और इधर n की वैल्यू 1 से 365 है। ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे n इन्होंने 100 ही लिया है, उसके बाद उन्होंने n को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, ऑन विच डेट इन 2023 विल द प्राइजेस ऑफ दीज टू वेराइटीज ऑफ टी बी इक्वल। नॉर्मली क्या होता है कैट में, कैट जिस भी ईयर को होता है ना, नॉर्मली उस ईयर का या उसके का आगे पीछे का डेटा दे देता है, तो हमने 2023 ले लिया। ठीक है, चलो करें सॉल्व। देखना, अच्छा ऑप्शन पे ध्यान दो, तो देखो पहले अगर जनवरी में देखें तो 31, फिर 28 फेब में लीप ईयर नहीं है, फिर मार्च है ना, मार्च तक में ही देखें 90 डेज हो गए है ना, 90 डेज हो गए जनवरी फरवरी मार्च में ही, और मार्च के बाद के ही है, और अप्रैल भी सबसे मिनिमम जो है देखो 10 है, तो 10 अगर अप्रैल के भी लिए तो 100 डेज हो जाएंगे। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि n की वैल्यू 100 या उससे ऊपर रहने वाली है, तो इसमें 100 के बाद कांस्टेंट है, तो इस वैल्यू में सीधे मैं n की जगह 100 ही रख देता हूँ। तो n की जगह 100 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 100+0.1 को क्या लिख दूँ, n/10, तो n की जगह 100 रख दो इधर, तो इससे कैंसिल, 100+10 110 आएगा टोटल है ना, इज इक्वल टू, अब इसमें रख दो 89+15n/100 है ना, 0.5 को ऐसे लिख लेते, 110-89 21 इज इक्वल टू, ये 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये 3 7 सा हो गया, 7 2 14, n की वैल्यू आ गई 140, यानी 140 डेज पे इन दोनों का प्राइस इक्वल हो जाएगा है ना। 90 डेज तो आई गए है ना, ये कहाँ तक हो गया था, मार्च तक, देन अप्रैल ले लो 120 डेज हो गए, फिर मई में 20 दिन ही आएंगे है ना, 20 40 हो जाएगा, तो 20 मई को प्राइस इक्वल होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एक तो बहुत ही टफ है और उसको मैं सबसे आसान तरीके समझाने की कोशिश करूंगा, देखना। ये आई एम बैंगलोर का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ ही सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो fx आप क्या ले लोगे, ax2+bx+c। ठीक है, अब मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कब होता है, देखो मैक्सिमम तब होगा जब x2 का कोफिशियंट नेगेटिव होगा, खैर उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। x होता है -b/2a पे, जिनको नहीं पता वो याद कर लो, x इज इक्वल टू -b/2a पे क्वाड्रेटिक मैक्सिमम या मिनिमम देगा। मैक्सिमम कब देगा, जब x2 का कोफिशियंट नेगेटिव होगा, और मिनिमम कब देगा, जब x2 का कोफिशियंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो ये -b/2a आ गया, तो b इज इक्वल टू -2a आ गया, इसको याद रखेंगे बाद में काम आएगा। अब 1 पे 3 दे रहा है, x की जगह 1 रख दो, तो a+b+c इज इक्वल टू क्या दे रहा है, ये 3,
बी की जगह माइनस टू ए रख दूँ तो सी माइनस ए है ना इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। एक इक्वेशन ये और पता चल गई। आगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज वन, एक्स की जगह जीरो रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से बचेगा सी, सी इज इक्वल टू क्या आ गया वन, सी अगर वन आ गया तो ए क्या आ जाएगा माइनस टू। याद है अभी मैंने कहा था ए नेगेटिव होगा है ना, देखो नेगेटिव आ भी गया। और बी क्या आ जाएगा टू टू ज़ा फोर प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब फाइनली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पता चल गई क्या है ना, तो एफ एक्स क्या है हमारा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी प्लस फोर एक्स प्लस सी प्लस वन। अब तो जो पूछेगा वो बता देंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टेन, यानी एफ टेन निकालना है हमें। टेन का स्क्वायर हंड्रेड, टू ज़ा टू हंड्रेड माइनस में प्लस टेन, फोर ज़ा फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन, वन फिफ्टी नाइन आ जाएगा माइनस में। ऑप्शन में दिख रहा है बी, लगा दो। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। टू सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, द सर्कल्स हैव द सेम रेडियस एंड नीदर पी और नॉर क्यू फॉल विद इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेंज दैट इंक्लूड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल ए क्यू पी। देखो ये एक है ना, पी और क्यू इसके अंदर नहीं आ रहा है, पी होगा क्यू होगा, पॉइंट ये ए और ये पॉइंट बी, ए क्यू पी, ए क्यू पी इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ इसको मैं। मान लो दो सर्कल अगर टच कर रहे होते, रेंज निकालनी है ना, तो अपन एक्सट्रीम केस लेते हैं। मान लो टच कर रहे होते ये, तो ए और बी ये तो सेम पॉइंट पे ही हो जाते, और ए क्यू पी ये तो ज़ीरो डिग्री का एंगल हो जाता, मतलब एंगल जो होगा वो ज़ीरो डिग्री से तो बड़ा होगा ए क्यू पी जो भी है। अब लेस देन की बात करें तो देखो ये एक दूसरे के उसमें नहीं आ रहे ना ये, तो अगर हम इसको एक दूसरे के सेंटर से पास करा दें है ना, मतलब मान लो ये P है ये Q है और ये पॉइंट A ले लूँ, तो देखो ये होगा R, अच्छा ये भी होगा R और ये भी होगा R, R R R मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, R R R वो R R R मत समझ लेना है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, इसके बाद की तो कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये रेंज क्या होगी, जीरो से 60 डिग्री, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था दिमाग वाला। नेक्स्ट फोर एंड फाइव, इसको करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन कई बार क्या होता है हमें दिखने में टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। लेट अस बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स आई जे वेयर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, जे इज ग्रेटर देन आई एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, एन हमें लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर। एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर एज कॉल्ड फ्रेंड्स इफ दे हैव कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेयर्स इन कॉमन एंड एनिमीज अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू फोर एस वन, इधर एग्जाम्पल सब कुछ ये लोग खुद ही समझा देते हैं कि वन टू एंड वन थ्री में वन कॉमन है यानी फ्रेंड्स है, वन टू टू थ्री में टू कॉमन है फ्रेंड्स है, लेकिन वन फोर टू थ्री में कुछ कॉमन नहीं तो एनिमीज हो गए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एन की वैल्यू मैं फोर ही ले लेता हूँ, चलो है ना एन इक्वल टू मैं फोर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो वन टू वन थ्री वन फोर, फिर टू पे आए तो टू थ्री टू फोर, थ्री पे आए तो थ्री फोर, इतने टोटल केस बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर जनरल एन हाउ मेनी एनिमीज ईच मेंबर ऑफ एस हैव। देखो मान लो मुझे फॉर्मूला वार्मूला निकालना नहीं आता और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैं तो क्या करूँगा भाई, जैसे इसको पकड़ा मैंने वन टू, इसके एनिमी देख लेता हूँ कौन कौन है, ये कोई नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही एनिमी होगा इसका ये। ठीक है, तो एन जब फोर है तो एनिमी एक ही आ रहा है, एन फोर पे एनिमी वन, तो ऑप्शन में एन की जगह फोर रख के देख लो वन कौन दे रहा है, फोर माइनस थ्री वन एक ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है, सभी दे रहे हैं, स्मार्ट नहीं लोग,
ज़्यादा कुछ नहीं करना, 5 ले लो, तो अब ये 1.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, और ये 4.5, है ना। अब इसके एनिमी कितने आ गए, 1, 2, 3, 5 के केस में 3 आ गए, है ना, 5 के केस में। अब एन की जगह 5 रखो, 3 कौन दे रहा है, देखो ये नहीं दे रहा, हटा दो, है ना, ये दे रहा है, और ये भी नहीं दे रहा, ये भी गया, है ना, ये भी दे रहा है। अब देखो सिर्फ दो ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा देखना, क्वाड्रेटिक टाइप बनेगी क्योंकि लीनियर वो इंक्रीज नहीं हो रहा, चलो खैर अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, एन की जगह 6 ले लेता हूँ, है ना। देखो विद इन 1 मिनट ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, स्पीड में करोगे तो। अब इसके एनिमी कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 एनिमीज हो गए, तो 6 पे 6 आना चाहिए, ये भी नहीं दे रहा, मतलब आंसर होगा डी, चेक करके देख लो, 6 पे 6 आएगा, हाँ है ना, सही है, डी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम में जल्दी जल्दी कर सकते थे बिना कोई क्वाड्रेटिक निकाले। चलो अगला, फॉर जनरल एन कंसीडरिंग एनी टू मेंबर्स ऑफ एस दैट आर फ्रेंड्स, हाउ मेनी अदर मेंबर्स विल कॉमन फ्रेंड्स टू बोथ ऑफ दिस मेंबर, ठीक है। मान लो ये हैं, इनके 6 पे ये करते हैं, ये दोनों फ्रेंड हैं, अब इनके और फ्रेंड कितने होंगे, है ना, एन की जगह 6 रखा है, तो इनके कॉमन फ्रेंड देखो 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 1, 3, एक ही हो जाएगा, इसका भी फ्रेंड, इसका भी, 2, 4 नहीं होगा, 2, 5, 2, 6, 3, 4, ये कोई नहीं, ये कोई नहीं, तो 1, 2, 3, 6 केस में 4 आए, एन के 6 रख के 4 कौन कौन दे रहा है, ये तो नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये रहो, ये भी नहीं दे रहा, ये दे रहा है, ऑप्शन डी लगा दो, सिंपल था ना, सिर्फ एक बार क्यों ना, दो क्वेश्चन थे, विद इन 2 मिनट आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 6 और 7, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। शबनम इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट हर सरप्लस कैश फॉर अ वीक। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आया बैंगलोर का, मैंने देखा है, फेवरेट है, या तो वो इस टाइप का क्वेश्चन क्वांट में देगा या LRDI में देगा। देखो अब जनरली क्वांट में दो दो तीन तीन के सेट के क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब अगर आएगा तो LRDI वाले सेक्शन में आएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी ध्यान से देख लेना। शबनम इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट हर सरप्लस कैश फॉर अ वीक, शी विशेज टू गारंटी मैक्सिमम रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, शी हैज 3 ऑप्शंस ईच ऑफ विच कैन बी यूटिलाइज फुली और पार्शली इन कंजंक्शन विद अदर, ठीक है, फुल्ली यूज कर ले या पार्शली यूज कर सकते हैं, अमाउंट के थोड़ा इसमें डाल दिया स्कीम में, थोड़ा उस स्कीम में डाल दिया, है ना। ऑप्शन ए क्या है, इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, इट प्रोमिसेस अ रिटर्न ऑफ 0.10%, 0.10 तो काफ़ी कम है, ठीक है। बी FD टाइप हो गया वो, बी इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड ऑफ ABC लिमिटेड, रेज इन द स्टॉक मार्केट विद रिजल्ट 5% मिलेगा, और मार्केट अगर गिरा फॉल विल इंटेल अ रिटर्न ऑफ -3%, ठीक है, मार्केट बढ़ा तो 5%, कम हुआ तो 3% का लॉस हो जाएगा। अब सी ऑप्शन में क्या है, CBA लिमिटेड में लगाएंगी, अगर मार्केट बढ़ा तो इसका शेयर कम हो जाएगा 2.5% से, लेकिन मार्केट गिरा तो इसको फायदा होगा 2% का, ठीक है, जी समझ में आ गई। अब देखो साफ समझ में आ रहा है, ये तो 0.1% बहुत ही कम है, क्योंकि इधर 5 और 2.5, यानी इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में चीज़ें होने वाली हैं, इतना तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते थे, ठीक है, तो हम पूरा कंसंट्रेट इन दोनों पे ही करेंगे। अब देखो मान लेते हैं इसके पास 100 रुपीज़ है, है ना, अब एक स्कीम है बी और एक स्कीम है सी। बी में मार्केट बढ़ने पे 5% मिलेगा, लेकिन मार्केट गिरने पे 3% का लॉस होगा। सिमिलरली सी में मार्केट बढ़ने में 2.5% का लॉस होगा और मार्केट गिरने पे 2% का प्रॉफिट होगा। अब 100 में मान लेते हैं एक्स रुपीज़ मैंने इसमें लगाए और 100 माइनस एक्स किस में लगा दिए, सी में, ठीक है, क्योंकि देखो रिस्क नहीं ले सकते ना, गिर गए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना, तो ऐसा कुछ स्कीम, इतना तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन भी बनाया, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मार्केट बढ़ गया, है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लेना,
मान लेते हैं मार्केट बड़ा हमारा, तो एक्स पे इसको 5% मिल जाएगा, यानी 5x/100, लेकिन इसमें 100 माइनस एक्स पे इसको 2.5 का लॉस हो जाएगा, तो -2.5/100 कितने अमाउंट पे, 100 माइनस एक्स, तो ओवरऑल क्या हो गया देख लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस 2.5x/100, माइनस 100 से 100 गया 2.5, तो 7.5x/100 -2.5, है ना। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लें, चलो इसको 3x-100/40, मार्केट बढ़ने पे इसके पास ये प्रॉफिट रहेगा, है ना, प्लस में आ रहा है मतलब। अब वो एक्स पे भी डिपेंड करेगा, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्स जो भी अमाउंट होगा वो 3x-100/40 हो जाएगा मार्केट बढ़ने पे, ठीक है। वो अमाउंट नहीं होगा मतलब, समझ गए ना, वो प्रॉफिट या लॉस वाली चीज़ रहेगी। अब मार्केट मान लो कम हो गया, गिर गया, देखो इतने लंबी कैलकुलेशन से LRTI के उसमें ही आ सकती है, इसलिए ध्यान से देख लेना। मार्केट गिरा तो इसको 3% का तो इधर लॉस हो रहा है, तो -3x/100 लिख दो, दूसरे इसमें प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस का साइन लगाओ 2% का, तो 2/100 × 100 माइनस एक्स, सी वाली स्कीम में लगाया था ना, तो -3x और -2x, तो -5x/100 हो गया, वही 100 से 100 ये 2, है ना, इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ गया 40-x/20। अब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा इसके लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ये दोनों अमाउंट इक्वल हो जाए, ताकि मार्केट या तो गिरेगा या चढ़ेगा, है ना, दोनों केस में इसको सेम प्रॉफिट हो, तो इन दोनों को ये इक्वल कर देते हैं अपन, ताकि मार्केट गिरे चाहे बढ़े इसको फर्क ना पड़े, है ना, ये दिमाग लगाना था इसमें। ये क्या हो गया 3x-100 = 42 = 80 - 2x, 3x-2x, x इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ 5x = 3x + 2x, 5x = 180, देन x = 36, x 36 आ गया, मतलब बी वाली स्कीम में 36% रुपए लगा दे, क्योंकि 100 हमने जानबूझ के लिया था, और सी स्कीम में 64% लगा दे, ठीक है, और कहीं भी ये x की वैल्यू रख देते हैं, लाइक इसी में रख दें इक्वल है, तो 36 × 3 = 108 - 100, 8/40 1/5, है ना, 1/5 मतलब 0.2, ठीक है, चलो मैक्सिमम गारंटीड रिटर्न 0.2% होगा, है ना, क्योंकि 100 रुपये में 0.2 ही मिल रहा है प्रॉफिट इसको, तो 0.2% ऑप्शन सी, है ना, 0.1 से तो ज़्यादा ही है, देखो 0.1 FD की थी, है ना, मैंने कहा था उससे तो ज़्यादा कर ही लेंगे दो स्कीम में लगा के। व्हाट स्ट्रेटेजी विल मैक्सिमाइज द गारंटी रिटर्न टू शुभम, यही एक्स में बी में 36 सी में 64 लगा दो ऑप्शन बी, देखो एक मेहनत से दोनों क्वेश्चन हो गए जल्दी से, ठीक है। इस बार मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो LRTI में आएगा, तो ध्यान से उम्मीद है आपने सॉल्यूशन समझ लिया होगा, ठीक है, कैलकुलेटिव तो था इट नहीं, ये कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिटी एंड BR इन डिफरेंट टाइम जोन इज लोकेटेड 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, यानी ये अगर B है तो ये A होगा, कितना किलोमीटर है 3000 किलोमीटर, ठीक है। द टेबल बिलो डिस्क्राइब द शेड्यूल ऑफ एन एयरलाइन ऑपरेटिंग नॉन स्टॉप फ्लाइट्स बिटवीन ए एंड बी, ऑल द टाइम इंडिकेटेड आर लोकल एंड ऑन द सेम डे, सेम डे के हैं, ये मेन चीज थी। एज्यूम दैट प्लेन क्रूज एट द सेम स्पीड इन बोथ डायरेक्शन, हाउएवर इफेक्टिव स्पीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेडी विंड ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ये ईस्ट था ये वेस्ट था, तो विंड ऐसे चल रही है, विंड की स्पीड क्या है 50 km/h, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन करने की सबसे आसान तरीका रहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टाइम जोन का डिफरेंस बताना है, ठीक है, और प्लेन की स्पीड, ठीक है। अब देखो
हमेशा किसी एक सिटी को पकड़ लिया करो, जैसे बी, बी से ये 8 बजे सुबह चला, ए पे जब भी पहुंचा मतलब नहीं, फिर ए से निकल के बी पे वापस कब आया, ये हमें देखना है। यानी सुबह 8 बजे निकले थे और आप रात को 8 बजे आ गए, यानी 12 आवर्स आपने लगाए, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सिटी के टाइम जोन को कंसीडर किया, हमने ए का टाइम देखा ही नहीं। आप बी से सुबह 8 बजे निकले थे, बी का टाइम जोन तो वही रहेगा ना सुबह 8 से रात का। अब ए के टाइम जोन में से देख लो कितनी देर रुका है वहाँ पे, तो ए में देखो 3 बजे पहुँचा था और 4 बजे वहाँ से निकल गया, यानी 1 आवर का इसने जो भी हॉल्ट लिया है वो लिया होगा। मतलब टोटल जर्नी का जो दोनों साइड होगा वो 11 आवर्स की इसकी जर्नी रही होगी। ये चीज़ समझ में आ गई, मेन यही समझना था। अब वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। देखो पहले वो बी से गया ए, तो 3000 अपॉन इसकी स्पीड x मान लेते हैं, तो x माइनस 50 क्योंकि विंड के अगेंस्ट जा रहा है, प्लस फिर आते समय वो 3000 आया, इस बार वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो विंड का सपोर्ट मिल जाएगा, स्पीड हो जाएगी x प्लस 50 और टोटल टाइम उसको लगा 11। अच्छा देखो, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो या थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो 11 चाहिए है ना, ये 3000 को भूल जाओ, 30 को समझो, 65 से 30 होता है और 6 और 5 का एडिशन भी 11 होता है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू ऐसी क्या ले लूँ कि नीचे 60 और 50, यानी 600 500 आ जाए, 550 ले लो, तो प्लेन की स्पीड देखो 550 होगी, और नीचे ऑप्शन भी दिए हुए थे इसी टाइप के, उनसे भी आप हेल्प ले सकते थे है ना। तो देखो 550 माइनस 50 500, तो ये आ जाएगा 6 आवर्स, और ये आ जाएगा 550 प्लस 50, 600 अपॉन 3000 अपॉन ये 5, ठीक, तो 550 तो प्लेन की स्पीड हो गई, ऑप्शन बी लगा दो। अब टाइम जोन देख लेते हैं। देखो 6 घंटे लगे इसको, तो 8 बजे निकला था, 9 10 11 12 1 2, इस टाइम जोन के हिसाब से इसको 2 PM पे पहुंचाना था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो 3, मतलब 1 आवर का डिफरेंस है टाइम जोन में, क्योंकि 2 PM हो रहा होगा सिटी बी में, लेकिन यहाँ पे वही टाइम क्या हो रहा है 3 PM, मतलब टाइम डिफरेंस कितने का है 1 आवर का, ऑप्शन बी। समझ में आ गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना काफ़ी, है ना। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, या कमेंट सेक्शन बताओ आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, तो टेस्टिमनी भी लिख दो, और हाँ कोर्स परचेस करना हो नेक्स्ट टाइम से किसी को भी तो हमारे ही सजेशन देना, कम से कम इतना तो कर ही लो। कंसीडर और 4 digit numbers फॉर विच द फर्स्ट 2 digits आर इक्वल ए ए एंड द लास्ट 2 digits आर ऑल्सो इक्वल बी बी, हाउ मेनी सच नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे वीडियो कोर्स में मैंने डिटेल में इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक समझ लो, 88 का स्क्वायर ही ऐसा होता है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 7744, और कोई नहीं होता। आंसर याद कर लो 1, और 88 का स्क्वायर ही होगा, बाकी आप करके देख लो, ठीक है, इसको याद कर लेना। 11, इसको भी देखो बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, कई बार मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है देखने में टफ लगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। लाइक दिस क्वेश्चन इन अ टूर्नामेंट, ओ मान लो मेरे को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, फिर भी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेना। इन अ टूर्नामेंट देर आर एन टीम्स, T1 सिट इन, एन इज ग्रेटर देन 5, मैं 6 ले लेता हूँ। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ के प्लेयर्स, के इज ग्रेटर देन 3, के को मैं चलो 4 ले लेता हूँ। द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीम हैव 1 player इन कॉमन, एक प्लेयर कॉमन है, ये T1 T2 T2 3 थी, ऐसे TN-1 और TN में, फिर TN और T1 में भी। तो देखो T6 लिया है मैंने, मतलब T1 T2 T3 T4 T5 T6 है ना, 4 प्लेयर ले रहा हूँ काउंटिंग का, 1 2 3 4, मान लो 4 इसमें कॉमन है, एक प्लेयर कॉमन है ना, तो 4 5 6 7, इसमें 7 कॉमन कर देते हैं, 7 8 9 10, इसमें 10 कर देते हैं, तो 10 11 12 13 है ना, एक एक ही कॉमन करना था नेक्स्ट में, अच्छा T6 और T1 में भी एक कॉमन होगा तो 1 को कॉमन, तो टोटल देखो डिस्टिंग कितने लिखे मैंने 18, तो 6 में 18 आ रहा है, तो देखो n हो गया और ये K-1 हो गया, तो n into K-1 फॉर्मूला इसमें सीधे सीधे बन गया, ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल था ये। तो अगला तो बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन भी है, देखना इस बार भी अगर आया मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन अब LRDI में आने चाहिए, है ना। मिस्टर डेविड मैन्युफैक्चरर एंड सेल द सिंगल प्रोडक्ट फिक्स प्राइस इन अ नीच मार्केट, द सेलिंग प्राइस ईच यूनिट 30 रुपीज़ है,
ऑन द अदर हैंड कॉस्ट इन रुपीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, कॉस्ट क्या है बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, बी एंड सी कॉन्स्टेंट है, डबलिंग डेली प्रोडक्शन 20 से 40 कर देता है, तो बी की जगह पहले 20 लिख, एक्स की जगह 20 लिख दो, है ना, कॉस्ट फंक्शन है, सी 20 क्या हो जाएगा 240 प्लस 20 बी प्लस 400 सी, है ना, 220 का स्क्वायर, ऐसे सी 40 क्या हो जाएगा 240 प्लस 40 बी प्लस 40 का स्क्वायर, ऐसे एक 60 भी दिया हुआ है, चलो वो भी लिख देता हूँ, 240 प्लस 60 बी प्लस 6 का स्क्वायर सी, ठीक है। अब 20 से 40 हो रहा है तो 66.66 कितना होता है, फ्रैक्शन पता होंगे तो थोड़ा जल्दी हम कर लेंगे, टू थर्ड होता है, वन थर्ड 33.33, टू थर्ड 66.66, तो देखो 240 था, पेशेंस रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, 20 बी प्लस 400 सी ये बढ़ गया टू थर्ड से, यानी 1 + 2/3 5/3, और ये आ गई वैल्यू इसकी 240 प्लस 40 बी प्लस 1600 सी, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 240 फाइव जा 1200 प्लस 25 जा 100 बी प्लस 2000 सी इज इक्वल टू 24 × 3 = 72 720 प्लस 120 बी प्लस 4800 सी। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, हल्की सी भी गलत पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है, सॉल्व कर लो, तो 4800 में से 2000 माइनस हुए तो 2800 सी प्लस 120 में से 100 20 बी इज इक्वल टू 1200 में से 720 माइनस कर दो 480, ठीक है, जीरो कैंसिल कर दो, है ना, टू भी जा रहा है, तो 140 सी प्लस बी इज इक्वल टू 24, ये आएगा, चलो अभी ये लिख देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, इक्वेशन वन, ठीक है। अगला, अब 40 से 60 हो रहा है तो 50% हो रहा है प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी इस बार क्या लिखेंगे, 240 प्लस 40 बी सिक्सटीन हंड्रेड सी, इसमें 1 + 1/2 = 3/2 इज इक्वल टू ये 240 प्लस 60 बी प्लस 3600 सी, ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इधर हुआ था, ये पूरा वैसा का वैसा लिख दो, 720 प्लस 120 बी प्लस 4800 सी इज इक्वल टू 480 प्लस 120 बी प्लस 7200 सी, 120 बी से 120 बी कैंसिल, है ना, 720 में से 480 माइनस कर दो 240 इज इक्वल टू 80 से सी की वैल्यू 1/10 आ गई, चलो अब तो सब आ जाएगा, सी की वैल्यू 1/10 आ गई, इधर रख देंगे तो 1/10 14, 24 माइनस 14 10, बी की वैल्यू आ गई 10, बी 10 आ गया और सी 1/10 आ गया, ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 240 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर बाय 10, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस x आर्टिकल का क्या होगा 30x, है ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये थोड़ा इधर लिखना, तो 30x माइनस कॉस्ट प्राइस 240 माइनस 10x माइनस x स्क्वायर बाय 10,
तो फाइनली क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। क्वाड्रेटिक मैंने कहा था ना इनका फेवरेट है, माइनस 10 और प्लस 30 प्लस 20 एक्स माइनस 240, ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब मैक्सिमम अभी मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन में बताया था माइनस बी बाई 2a पे होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी यानी माइनस 20 बाई 2a, a की वैल्यू क्या 1 बाई 10 माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 100। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब ये 100 आर्टिकल बनाएगा, ठीक है, और x की जगह 100 इसमें लिख दो तो माइनस 100 कैसे, 10,000 बाय 10 माइनस 1000 प्लस 20 इंटू 100 2000 माइनस 240 यानी 1000 माइनस 240 ये आ गया 760। प्रॉफिट कितना होगा मैक्सिमम 760 रुपीस का, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, खतरनाक है। 100 760, ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14-15, ये जितने भी क्वेश्चन है ना सब ऑप्शन से करने चाहिए। ए एन इज इक्वल टू पी, ये एन माइनस वन है, ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस वन, हाँ एन ग्रेटर देन वन, इवन के लिए ऊपर वाला लगाएंगे, आउट के लिए नीचे वाला, इवन एन, ठीक है। देखो पहले खुद से लिख ले, ए वन इज इक्वल टू पी, बी वन इज इक्वल टू क्यू, ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन हो गया, तो पी इंटू बी वन इन पी क्यू, और बी टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू बी वन इन क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। पहले थोड़े से खुद से लिख लिया करो, ए थ्री इज इक्वल टू, ठीक है, ए थ्री इज इक्वल टू ऑड हो गया तो पी इंटू प्रीवियस है, तो पी स्क्वायर क्यू, और बी थ्री इज इक्वल क्यू इंटू प्रीवियस है पी क्यू स्क्वायर, हाँ। अब ए फोर इज इक्वल टू, और बी फोर इज इक्वल टू, बस इतने कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में सोचते रहेंगे। ए फोर पी इंटू प्रीवियस बी इन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, और बी फोर इवन क्यू इंटू प्रीवियस बी पी क्यू क्यू, ठीक है। चलो ए फाइव बी फाइव भी निकाल लेते हैं, ए फाइव ऑड है तो पी इंटू प्रीवियस है पी क्यू क्यू स्क्वायर, और बी फाइव क्यू इंटू प्रीवियस है पी स्क्वायर क्यू क्यू, है ना। इज ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, है ना, ये है, ठीक है। ए टू प्लस बी टू करूंगा तो क्यू कॉमन, बाहर पी प्लस क्यू आएगा, और फोर वाले में लूंगा तो पी क्यू स्क्वायर कॉमन, है ना, इसमें अंदर पी प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एन की जगह टू रखने पे, टू रखने पे ये तो जीरो, क्यू इंटू पी प्लस क्यू आ रहा है, ये दे रहा है, टू रखने पे क्यू इंटू पी प्लस क्यू ये भी दे रहा है, टू रखने पे ये भी दे रहा है, टू रखने पे ये भी, सभी दे रहे हैं, वाओ ऑप्शन खतरनाक बनाते हैं लोग। फोर रखने पे पी क्यू स्क्वायर, फोर रखने पे फोर बाय टू, टू माइनस वन वन पी क्यू स्क्वायर पी प्लस, ये नहीं दे रहा, टू माइनस वन, टू माइनस वन पी क्यू स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू ये दे रहा है, क्यू फोर की जगह फोर क्यू पी क्यू स्क्वायर होना चाहिए, ये भी नहीं है, इधर पी नहीं आएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से किया जाता है, समझ गए, ठीक है। अगला, अगर p 1 बाय 3 है, q 2 बाय 3 है, अच्छा p प्लस क्यू तो देखो इन दोनों का ध्यान दो, तो p प्लस क्यू तो 1 होना है, 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड सच देन n प्लस बी एन लेस देन 1 बाय 100, इसको ऐसे लिख लो ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ऑर्ड चाहिए तो ऑर्ड में देखना, जैसे ए वन में क्या है, ए वन प्लस बी वन पी प्लस क्यू, ये तो वन हो गया। ए थ्री प्लस बी थ्री क्या है, पी क्यू कॉमन ले लो तो अंदर पी प्लस क्यू है ना, ये तो वन है, इन्हें से पी क्यू बचेगा। ए फाइव प्लस बी फाइव ले लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ले लो। अच्छा देखो, वन में जीरो था, फिर पी क्यू, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अंदर तो पी प्लस क्यू ही आएगा है ना। अब इधर में देखो लिखता हूँ, ए फाइव प्लस बी फाइव में क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू हम वन एज्यूम कर रहे हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब सेवन में क्या आ जाएगा, ए सेवन प्लस बी सेवन में पी क्यू क्यू क्यू। नाइन में क्या आ जाएगा, पी की पावर फोर क्यू की पावर फोर। अच्छा थर्टीन तक है तो मैं थर्टीन तक लिख देता हूँ, पी फाइव क्यू की पावर फाइव, ओवरऑल पावर भी फाइव लिख सकते हो। ए थर्टीन प्लस बी थर्टीन, इसमें पी क्यू की पावर क्या आ जाएगी, सिक्स। ठीक है, अच्छा पी क्यू क्या है, टू बाय नाइन। पी क्यू की बात करूँ तो क्या है, टू बाय नाइन। अच्छा टू बाय नाइन इन्हें वन अपॉन फोर पॉइंट फाइव बोल सकता हूँ है ना। अब पावर वन टू थ्री फोर, तो देखो ध्यान से देखना, वन बाय फोर पॉइंट फाइव की पावर एन बोल देता हूँ, शुड बी लेस देन वन बाय हंड्रेड। इधर उधर ले जाओ तो हंड्रेड से बड़ा आ जाए फोर पॉइंट फाइव की पावर एन है ना। अब देखो फोर का क्यूब सिक्सटी फोर होता है, तो फोर पॉइंट फाइव का क्यूब हंड्रेड से तो कम ही होगा है ना। फोर पॉइंट ओ, कैलकुलेटर तो आपके पास रहेगा ही, इच्छा हो तो करके देख लेना है ना। फोर्टी फाइव का स्क्वायर तो ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव होता है, इंटू फोर पॉइंट एट्टी के ऊपर कुछ जाएगा है ना, लेकिन हंड्रेड से कम ही रहेगा। तो ग्रेटर देन हंड्रेड के लिए एन को फोर होना पड़ेगा। एन फोर कौन से इसमें है, इसमें। तो नाइन वाले में स्मॉलेस्ट ऑर्डर एन पूछा था ना, जिससे लेस देन रहे, तो नाइन में रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद है फिफ्टींथ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिक्सटींथ देख लेते हैं। सपोज यू हैव अ करेंसी नेम मिसो इन थ्री डिनोमिनेशन, वन टेन एंड फिफ्टी। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107 मिसोस। अब ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में लिख देते हैं कि एटलीस्ट वन टाइम सबको यूज़ करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम चाहें तो एक भी यूज़ ना करवाएं किसी से। ठीक है, चलो देखें कैसे कह सकते हैं इसको जल्दी। कितने मेरे पास, वन का है, टेन का है और फिफ्टी का है। ठीक है, टोटल क्या चाहिए मुझे, 107। 50 के दो ले लो सबसे आसान केस है ना, 100 हो गया, 7 ये दे दो। ठीक, और कुछ केस नहीं बनेगा 50 के, उसमें 50 का 1 देते हैं, 50 का 1 देंगे तो देखो 107 माइनस 50 कितना हो गया, 57। अब 57 कैसे हो सकता है, 5 10 के 7 ये दे दो, या 4 इसके 17 इसको दे दो है ना, या 3 इसके 27 इसको दे दो। ऐसे ये 3 फिर 2 फिर 1 आएगा, फिर ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है जी, सन में आई। अब 50 का मान लो एक भी नहीं देता, ठीक है, पूरे 107 इन दोनों से मिला के देने, तो 10 इसके दे दो, 7 इसके दे दो, फिर इसके वही 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये 0 देंगे तो पूरे 107 इसको दे देंगे। इतना सा था, काउंट कर लो, ये टोटल कितने केस हो गए, 11 है ना, 0 से 10। ये कितने केस हो गए, 6, 11 और 6 17, और ये एक केस था 18, ऑप्शन सी, सिंपल था। ठीक है, चलो 17th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप का बैंगलोर पूछता रहता है। हाउ मेनी पॉजिटिव, ठीक है देखो 1 बाय एम इसको ऐसे लिखा करो, इज इक्वल टू, तरीका सीख लेना, 1 बाय 12 माइनस 4 बाय एन। तो 1 बाय एम इज इक्वल टू एन माइनस 48 बाय 12 एन। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 एन अपॉन एन माइनस 48। अच्छा एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहे थे, मतलब एन की वैल्यू ग्रेटर देन तो 49 होनी ही पड़ेगी, और बोल रहा है एन ऑड इंटीजर है, लेस देन 60, इन्हें 60 से छोटा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एन की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, 49 से बड़ा लेना है मुझे,
इक्वल टू भी ले सकता हूँ, 49 भी ले सकता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव आएगा 49, देन 51, देन 53, पूरा लिख लो जल्दबाजी करके, 57 आएगा, 57, 59, ठीक है। अच्छा, n माइनस 48 इस समय क्या क्या रहेगा, 49 माइनस 48 1, फिर 51 माइनस 48 3, फिर ये 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब 12n अपॉन ये, अब ये देखो 12 इंटू 49 पहला देखें अपॉन 1, ये तो हो जाएगा m इंटीजर ही आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। फिर 12 इंटू 51 अपॉन 3, 3 4 12 को कैंसिल कर देगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो अपॉन में 5 आएगा, ऊपर 12 इंटू 53 रहेगा, 5 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, ये केस नहीं होगा। अपॉन सिमिलर 12 इंटू 55 अपॉन 7, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, 7 ना 12 को करेगा ना 55 को करेगा। अब 12 इंटू 57 अपॉन 9, देखो 13 12 को कर देगा, 13 57 को कर देगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब 12 इंटू 59 अपॉन 11, 11 डिवाइड नहीं करेगा ना 59 को ना 12 को, तो ये भी नहीं होगा। तो थ्री पॉसिबिलिटीज हैं ऑप्शन ए, है ना, सबसे आसान तरीके समझाया, ठीक है। अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, है ना, कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, तो मेरा सॉल्यूशन ध्यान से समझ जाना, इनके सब इस बार आ गया तो आपसे बन जाएगा। अ कन्फ्यूज बैंक टेलर ट्रांसपोज अ रुपीज एंड पेसे व्हेन ही कैश्ड अ चेक फॉर शैलजा गिविंग हर रुपीज इंस्टेड ऑफ पैसे एंड पैसे इंस्टेड ऑफ रुपी। मान लो शैलजा एक्स वाई लेके गई थी, एक्स रुपीज, वाई पैसे का चेक लेके गई थी, है ना, यानी इसको अगर पूरा पैसे में कन्वर्ट कर लूँ तो चेक जो अमाउंट होगा वो 100x प्लस वाई होगा, पूरा पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ये चेक के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ था। अब बैंक टेलर ने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया, यानी इसको वाई रुपीज़ दे दिए, 100y ये हो गया प्लस x पैसे, यानी टोटल पैसे इसके पास ये आए। अब क्या हुआ, आफ्टर बैंक टॉफी 50 पैसे, इसने 50 पैसे की टॉफी खरीदी, मतलब इसके पास जो भी रुपए थे उसमें 50 पैसे और कम हो गए, ठीक। शैलजा नोटिस दैट शी वॉज लेफ्ट, ये जो अमाउंट बचा हुआ है लेफ्ट विथ एग्जैक्टली 3 times एज मच अमाउंट ऑन द चेक, ये जो अमाउंट बचा हुआ है ये 3 times से चेक के अमाउंट का, यानी 100x प्लस y का, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो 300x माइनस x 299x, यही होगा ना, प्लस 3y, अच्छा ये इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 3 कर दो 97y, इधर माइनस 50 इधर प्लस 50, ये आ जाएगी चीज, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, 299x, अच्छा 97 3 से अगर करो तो कितना आएगा 291, है ना, तो 3 प्लस 291 में 8 ऐड कर दूंगा, तो 8x प्लस 50, ये थोड़ा सा और आसान करने के लिए कर दिया मैंने, 97 ये लिख सकते हो। अच्छा y भी इंटीजर ही होगा, रुपए और पैसे वाली चीज है, पॉइंट में तो होगा नहीं। अब x की ऐसी वैल्यू लिखनी जिससे ये पॉइंट में आ जाए। अब देखो कैलकुलेटर तो कैट में रहेगा ही अब, ठीक, फिर भी अगर ऑप्शन से करना है ना, तो देखो 13x की जगह रखो, 13 और 14 के बीच में है, 22 है, 23, 18, 19, ये करके आप देखते जाओ जो वैल्यू 97 से डिवाइड हो जाए, x की जगह 13, 22, 18 और 4 रख के देख लो, ठीक है। चलो तो 13 8 104, इसमें 58 करूँगा, चलो मैं बिना कर लूँ, 154 97 से डिवाइड नहीं होगा, 22 इंटू 8, है ना, 226, अच्छा 1291 आया था, इसमें 97 कम करूँगा, ये भी नहीं होगा, 18 रख के देखता हूँ, 18 8 जा 144, है ना, ये 226 थ्री टाइम्स आएगा, हाँ नहीं होगा ये भी, 2 times में भी नहीं, है ना, 18 8 जा ये प्लस 50, ओ 194 आ गया, 97 2 जा भी 180 प्लस 4, हाँ ये आ गया, तो x की वैल्यू 18 पे हो रहा है, है ना। तो एग्जैक्ट अगर आंसर निकालना, वैसे हमारा आंसर तो आ चुका है ऑप्शन सी, ठीक, फिर भी अगर कितने का चेक था, तो 18 रुपीज़ का था, और पैसे कितने हो गए, 97 ये 2 आ जाएगा, है ना,
3 + 2 = 5, 5 पैसा, 18 रुपीज़ 5 पैसा, ये टोटल होगा। ये चेक था और उसने क्या कर दिया, यही था ना, एक्स की वैल्यू 18, हाँ बहुत ज़्यादा था उसने, -50, अच्छा 50 रुपीज़ खर्च कर दिए थे ना, 5 रुपीज़ 18 पैसे कर दिए थे, है ना, तो उसमें 50 पैसे कर करके ही आ गया था। ठीक है, ऑप्शन सी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा दिमाग वाला था ऐसे, ये कई बार देखो इतने टप टप करो तो बीच में एक आते ऐसे इजी पटक ही देते हैं वो लोग, है ना। 2n+1 ही ने ऑड नंबर पे एंड होगा, है ना। एक्स एवरेज ऑफ ऑड इंटीजर्स इन एस, वाई एवरेज ऑफ इवन, तो 2, 3, 4 हमेशा एंड बस ऑड पे करना। ऑड का एवरेज क्या हो जाएगा 4, इवन का एवरेज क्या हो जाएगा 3, 4 - 3 = 1, चलो और करते हैं। अब ऑड का एवरेज 5, इवन का एवरेज 4, इस बार भी डिफरेंस 1, हमेशा डिफरेंस 1 ही आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कुछ कुछ इजी क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। देखो 10 साल पहले क्या था, 8 लोग थे फैमिली में, 231 उनका टोटल एज था, 231 था, है ना, 10 साल में। 3 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद इन्हें 8 × 3 = 24 एज बढ़ गई होगी टोटल, एक की डेथ हो गई 60 इयर्स पे, तो -60। एक कोई चाइल्ड बॉर्न हो गया सेम ईयर, उसकी एज तो 0 होगी, तो +0 लिख के मतलब नहीं, हाँ लेकिन नंबर ऑफ पीपल अभी भी फैमिली मेंबर्स 8 ही रहे। फिर से 3 साल बाद फिर से 24 ऐड कर दो, फिर से 8 × 3 = 24 ऐड इंक्रीज हो गया होगा, फिर से एक की डेथ हो गई एंड एक चाइल्ड फिर से बॉर्न हो गया सेम ईयर पे, ठीक है, अभी भी टोटल 80 है, 3 + 3 = 6 ईयर्स हो गए, और 10 ईयर्स पहले की बात चल रही थी, अभी भी 4 साल बचे हुए हैं। करंट एवरेजेज पूछी थी, 4 साल और ऐड करो तो 8 × 4 = 32 एज और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 24 + 24 = 48 + 32, है ना, क्या होगा 80 और 120, 40 माइनस कर दो, है ना, 191, अच्छा 8 लोग हैं, पॉन 8 कर दो, समथिंग आएगा, ऑप्शन ए लगा दो 24। अच्छा आप लोग एग्जाम में कैलकुलेटर से करना, हल्की सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक में क्यों नेगेटिव मार्किंग करवानी, खटखट कैलकुलेटर से करना ऑन स्क्रीन। ठीक है चलो, लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एम में आते हैं, तरीका देख लेना। f1 = 1² f1 होगा, f1 ही आएगा, f2 = क्या, n की जगह 2 रखूंगा तो क्या होगा, f1 + f2 = 2² f2 यानी 4f2, तो f2 की वैल्यू क्या आ गई f1/3, है ना, तो इधर मैं वैल्यू लिखते जाता हूँ साइड में। देखो f1 तो था ही, f2 = क्या आ गया f1/3, ठीक है। अब f3 के लिए n की जगह 3 रखता हूँ, तो f1 + f2 की जगह मैं सीधे f1/3 लिख देता हूँ, +f3 = 3² 9 f3, है ना, तो 3 + 1 = 4/3 f1 = 8 f3, तो 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, यानी f3 = क्या आ गया f1/6। चलो मैं तो समझ गया, आप लोग समझ गए हो तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो एक f और निकाल देता हूँ तब तो आप समझ ही जाओगे। अब देखो f1 + f2 तो 4f1/3 में लिख ही चुका हूँ, f3 की वैल्यू क्या आ गई f1/6 + f4 = 4² 16 f4, इसको सॉल्व कर लो, 9f1/6 = 15f4, तो देखो f4 आ गया f1/10। अब अगर समझ में आ गया, अब तक तो आई जाना चाहिए, देखो ये जो सीरीज बन रही, 2 में देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2, 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3, 10 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, इन्हें fn जो होगा वो क्या होगा f1 upon
सिग्मा एन मतलब एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये एक फाइनल मैंने आपको डिराइव करके चीजी बता दी, ठीक है। एफ नाइन पूछा था, अब सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ नाइन क्या हो जाएगा, एफ वन टू इंटू एफ वन, एफ वन क्या हो जाएगा 3600 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, नाइन इंटू टेन, वैसे 45 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 42 से 80, एफ नाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तक अगर वीडियो सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को भी जल्दी से जल्दी ब्रांड बनाओ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।